जो पॉलिटिकल पार्टीज बच गई हैं उनके पास एक एजेंडा है, एक मंशूर है, सो कॉल्ड उनकी अपने एक वोट बैंक है, तो कम से कम उनको अब डिलीवरेंस की तरफ जाना चाहिए, प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स, प्रोडक्टिव पार्लियामेंट के जो अमूर है उनको चलाना चाहिए। मगर मैं आपको फिर भी एक अदना सी प्रेडिक्शन कर दूं कि ये चाहे 2 साल चले, 3 साल चले या 5 साल चले, इस पार्लियामेंट में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकेगा। हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तर्ज सियासत भी पता है, हमें नून का भी और पीपल्स पार्टी का भी पता है। जो मुश्किल फैसले होंगे उसे पीपल्स पार्टी डिसोन कर देगी और क्रिटिसाइज करेगी और कहेगी हमने तो मना किया था कि ये फैसले नहीं करवाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना खुद खेलेगी ना किसी और को खेलने देगी। नून लीग ये कहेगी कि हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हमें तो बहालत है मजबूरी ये हुकूमत दी गई। तो आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होगी कि वो किसी भी चीज का मलबा अपने कंधों पर ना ले। लेकिन मुझे फिर भी एक रे ऑफ होप सिर्फ एक चीज की नजर आती है कि अगर पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस में एटलीस्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर कुछ पाकिस्तान के लिए कर दें तो मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन इससे बहुत बेहतर इलेक्शन साबित होगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। ये जो अंदाजे थे कि एक बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज्यादा वोट बैंक निकला है, अगर आप कंपेयर करें 2018 से, इस मरतबा कम वोट पड़ा है। इस मरतबा 40% है वोट बैंक की, जबकि 2018 में गालिबन 53% या 54% के करीब वोट पड़ा था। तो ये दावा गलत है कि इस मरतबा बहुत लोग निकले और बहुत लोगों ने वोट डाला। हम थोड़ा सा लोगों को मिसगाइड भी करते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज करूंगी कि हमें कम से कम हमारी सियासी जमातों को कुछ संजीदा होकर, हमारी सियासी जमातों की संजीदगी का आलम क्या है? संजीदगी का आलम उनका यह है कि उन्होंने इलेक्शन से 15 दिन पहले तक मंशूर नहीं लोगों से शेयर किया, सिवाय पीपल्स पार्टी के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत बाद में लेके आई। तो आई थिंक ये भी समझना चाहिए कि सियासी जमातों को संजीदगी कितनी थी कि वो अपने वोटर को ऑफर क्या कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद था कि इख्तदार की कुर्सी से चिमटना कैसे है, और दूसरा हमने सबसे ज्यादा सीट्स कैसे हासिल करनी है ताकि हम सदारती कुर्सी पर या वजारत उज़्मा पर फाइज कैसे हो जाए। तो मेरा ख्याल ये कि इन सियासी जमातों को रिजेक्ट करके या अनएक्सपेक्टेड किसी हद तक नतीज देके आपके वोटर ने भी आपको जवाब दिया है कि वो हमेशा आपकी बातों में नहीं आएगा। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी जो रिपरकशंस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे।